हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कफ एवं खांसी का बहुत अच्छा सिरप लेकर आया हूँ जिसका नाम है ब्रोजिट सिरप, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी हिंदी में देखेंगे कि ये कैसी खांसी के लिए उपयोग किया जाता है, इसको कब लेना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में लेना चाहिए, इसको लेने से क्या बेनिफिट, क्या साइड इफेक्ट और मार्केट में क्या प्राइस है, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रोजिट सिरप, सबसे पहले बात करते हैं इस सिरप के मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसको अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जो कि बहुत बढ़िया और ब्रांडेड कंपनी है। अब बात करते हैं इस सिरप के अंदर मॉलिक्यूल यानी कंटेंट के बारे में। कंटेंट के बारे में देखें तो इसके अंदर मुख्यतः तीन कंटेंट डाला गया है। पहला डाला गया है टर्बुटालिन सल्फेट, दूसरा डाला गया है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा है गाउस्पेंसन। और इन तीनों की उपस्थिति देखें तो इसके अंदर डाला गया है टर्बुटालिन सल्फेट जो कि 1.5 mg डाला गया है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो कि 15 mg में डाला गया है और गाउस्पेंसन जो कि 50 mg में डाला गया है। अब बात करते हैं इस सिरप के कार्य के बारे में यानी यूज़ के बारे में। इसके कार्य की बात करें तो ये बलगम वाली खांसी के लिए उपयोग किया जाने वाला सिरप है। यदि आपको खांसते समय आपको बलगम यानी कफ भी निकल रहा हो तब इस सिरप का उपयोग किया जाता है जो कि आपको बलगम को ही पतला करके बाहर निकाल देता है और खांसी को रोकने में बहुत अच्छा सहायक करता है। और इस सिरप को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब भी किया जाता है। और यदि आप भी बलगम वाली खांसी से परेशान हो, यदि आपको खांसी हो रही हो, कब निकल रहा हो, तब आप इस सिरप का अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हो। और जब भी आप इस सिरप का उपयोग करते हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं इस सिरप का मार्केट में क्या प्राइस है। प्राइस की बात करें तो मैं अभी आपके सामने लेकर आया हूँ 100 ml का सिरप है जिसका मार्केट में प्राइस है 111 रुपये, जो मैं हर एक मेडिकल स्टोर पर ये आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं इस सिरप का साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट देखें तो इस सिरप का साइड इफेक्ट गैस होना, एसिडिटी होना, पेट का फूलना, सर दर्द होना, ये इसका नॉर्मल सा सामान्य साइड इफेक्ट है। और इससे ज़्यादा अगर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर के बताएं और डॉक्टर के बताए गए डोज के अनुसार इसका उपयोग करें।